ओके, वेलकम टू साइंस अकेडमी। मेरा नाम विजय हुआ और आज मैं आप लोगों का मैट्रिक्स का 8th लेक्चर लेने वाला हूँ। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग अप टू ट्रांसपोज तक कर चुके हैं, तो आज का लेक्चर हम लोगों का सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इसके थ्योरीज को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और आरडी शर्मा के जो भी एक्सरसाइज है आपका, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका सबसे पहले आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए कि एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है 2 1 3 1 0 2 3 2 1। ओके, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मेरा एक मैट्रिक्स है। अब हमको देखना है इसका नेचर। एक्चुअली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक नेचर को दिखाता है कि क्या ये इस नेचर को प्रोवाइड कर रहा है, क्या इस नेचर को ये शो करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो नेचर है क्या? तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कहना क्या है कि ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। ऑल ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए जे आई। मतलब क्या? जैसे मान लेते कोई एलिमेंट है 1 3, आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कोई एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट आपका 3 1 पर भी होना चाहिए। चलिए कुछ चेक करते हैं। जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट का लोकेशन क्या है? तो ये एलिमेंट का लोकेशन है A12, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो अगर इसका हम लोग फ्लिप करके A21 निकालेंगे तो A21 कहां पर आएगा आपका? तो देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज ई, देखिए तो A21। तो देखिए A12 आपके A21 के बराबर आ गया। तो इसी तरह जितने भी पॉसिबिलिटीज है, सारे पॉसिबिलिटीज को अगर फुलफिल करता हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा, इस चीज को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं आप, तो एक मान लीजिए कि यहां पर एक मिरर है। ठीक है, यहां का एलिमेंट आप अगर मिरर रखिएगा तो यहां का एलिमेंट यहां पर शो कराएगा, ये एलिमेंट आपको यहां शो कराएगा और ये एलिमेंट आपको यहां शो कराएगा। तो अगर आप डायगोनल के अबाउट अगर मिरर लेते हैं तो आपको सेम एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पर मिलेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? इसके अलावा हम लोग ट्रांसपोज के नेचर पर अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, अगर इसी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करते हैं, मतलब अगर रो को उठाकर आप कॉलम बनाते हैं, ये रो को उठा के 2 1 3 इसको लाकर कॉलम बनाइएगा, तो देखिए 2 1 3, तो सिंपली 2 1 3। तो आपका जितना जो एलिमेंट रो में है उतना ही एलिमेंट आपका, मतलब सेम एलिमेंट आपका कॉलम में। सिमिलरली अगर इस रो को उठा के आप सेकंड कॉलम बनाते हैं 1 0 2, तो ये देखिए 1 0 2। मतलब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर A बराबर A ट्रांसपोज हो तो भी आप इसको क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग कैसे बोलेंगे? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला नेसेसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो या फिर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो। क्लियर? तो इस तरह से लिख लीजिएगा आपका डेफिनेशन। A स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई और ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आपका सेकंड ऑर्डर का दिया हुआ है आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 1 1 2। ठीक है, आप इसका क्या कीजिए? ए ट्रांसपोज निकालिए। अगर ए ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ये 2 1 आपका कॉलम बन जाएगा, तो 2 1। ये 1 2 आपका रो कॉलम बन जाएगा, तो आपका 1 2। आपको क्या दिख रहा है? ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही मैट्रिक्स सेम दिख रहा है। यहां पर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दैट इज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अभी अगर आपको बोला जाए कोई मैट्रिक्स कुछ दिया हुआ, आपको चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा? उसके ट्रांसपोज को निकाल दीजिएगा। अगर आपका ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही सेम मैट्रिक्स है तो आप क्या बोलेगा? ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए नोट डाउन कीजिए यहां तक जल्दी से। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कैसा नेचर होता है? तो देखिए, जैसे मान लेते कोई मैट्रिक्स है, ओके, तो मान लेते कोई मैट्रिक्स है आपका 0 -2 1 2 -1 0 5 -5 और ये आपका 0। तो ध्यान से देखिएगा,
तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग कैसे, जैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तीन डेफिनेशन देखे थे। सबसे पहला डेफिनेशन क्या देखे थे कि जब कभी भी डायगोनल में हम लोग क्या करें, मिरर लगाया जाए, तो हम लोग देखते थे क्रॉसपोंडिंग लोकेशन पे जो इमेज बनेगा वो सेम इमेज बनता था, ठीक है। पहला हम लोग डेफिनेशन देखे थे। दूसरा डेफिनेशन क्या देखे थे कि ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ तीसरा डेफिनेशन क्या देखे थे, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो सिमिलरली तीन डेफिनेशन हम लोग एसक्यू सिमेट्री अबाउट के भी देखेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है कि जब कभी भी डायगोनल पे अगर हम लोग मिरर लगा दिया जाए, सपोज करते हैं हम लोग डायगोनल पे क्या कर रहे हैं, मिरर लगा दे रहे हैं, तो जो भी एलिमेंट है लोकेशन पर उसका जस्ट नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा। जैसे -2 है तो -2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, +2। तो देखिए इस लोकेशन पर आपको +2 मिल गया। ये आपका 1 है तो 1 पे नेगेटिव लगाइएगा तो -1। सिमिलरली 5 है तो 5 पर आपका -5। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर डेफिनेशन का अगर बात किया जाए तो डेफिनेशन में क्या होगा ना, सिंपल है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या फिर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज ये रहेगा तो ही हम लोग क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में क्या है डिफरेंस, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर लीडिंग डायगोनल में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल में अगर मिरर लगाया जाए तो हम लोग वो सेम एलिमेंट मिलेगा। अब एसक्यू सिमेट्रिक के क्या करें, लीडिंग डायगोनल में अगर हम लोग मिरर लगाएं तो हम लोग को क्या मिलता है, नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट मिलता है, क्लियर है। उसके अलावा अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है ना, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, और इस पर अगर बात किया जाए तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। इस पर अगर बात किया जाए तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए था, इस पर आपका ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। चलिए यहाँ तक लिखते हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे हम लोग जल्दी से। तो डेफिनेशन का अगर बात किया जाए तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अब बात आता है लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो क्यों होना चाहिए, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 0, 1, -2, -1, 2, 0, 3, -3 और ये आपका 0। देखिए अगर ये डेफिनेशन तो अगर बात किया जाए कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, चलिए हमने एक एलिमेंट ले लिया a22, तो a22 आपका किसके बराबर होना चाहिए, तो आप इसको फ्लिप कीजिएगा तो माइनस ऑफ a22 होना चाहिए। अच्छा, a22 के जगह पर हम किसी तरह से 1 रख देते हैं, तो क्या कभी 1 -1 के बराबर हो सकता है, कोई भी एलिमेंट अपना नेगेटिव के एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता है एक्सेप्ट 0। 0 के जगह पर हम लोग 0 = -0 लिख सकते हैं, दैट्स मीन हमेशा लीडिंग डायगोनल में 0 होगा, किसका, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। यहां पर नोट देके लिख लीजिए एक छोटा सा पॉइंट नोट, ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी 0, क्लियर। तो अगर आपको सबसे पहले अगर एसक्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो आप सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा लीडिंग डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाइए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आइदर आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए करके दिखाइए, आइदर आप एक एक एलिमेंट के बाद चेक करके देखिए कि सारे एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई है कि नहीं। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, इसके अलावा हम लोग कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई मान लेते कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अगर इसके ट्रांसपोज को अगर एड कर दिया जाए तो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मान लेते वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्स है, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोले,
अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ अगर एड कर दिया जाए तो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगेन, जब कभी भी किसी एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ एड करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा जब कभी भी किसी मैट्रिक्स में हम लोग उसके ट्रांसपोज को घटा देते हैं, ये मेरा मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज को हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट करा देंगे। तो मान लेते कोई रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वाई है, तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ऑलवेज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया, अगर आपको दिया हुआ कोई मैट्रिक्स आपको बोला जाए कि इसका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए, जैसे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ ए बराबर 2012 फाइंड ए सिमेट्रिक एंड ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम ए। आपको इस ए से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालना है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको निकालना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो चलिए हमने मान लिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब आता है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो चलिए ए मेरा पास एलिमेंट है 2012, ए ट्रांसपोज अगर किया जाए तो देखिए ये जो आपका रो है वो आपका कॉलम बन जाएगा, तो ये आपका 2 0 हो जाएगा, और ये जो आपका रो है 1 2 ये आपका कॉलम बन जाएगा, तो ये 1 2। और फाइनली इसको ऐड कर दीजिए, जैसे ही आप ऐड करते हैं तो 2 2 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 2 2 4। देखिए ये मेरा क्या बन गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। सिमिलरली अगर हमको निकालना है कि एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए यहां तक जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसी पे हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक को भी लिख देते हैं। तो चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एस्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे नेगेटिव अप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 - 2 दैट इज 0, 0 - 1 दैट इज -1, 1 - 0 दैट इज 1, और 2 - 2 दैट इज 0। तो सबसे पहला चेक देखिए, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0 है, बिल्कुल है। साथ ही साथ जो भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होगा aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji है। तो सिंपल ये मेरा क्या बन गया, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन दो चीजों को आप याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ अगर एड किया जाए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, और जब कभी भी किसी मैट्रिक्स में हम लोग उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को घटा दें तो वो क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स आएगा वो आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लिए, इसके अलावा एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके, तो आप हम अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि जब कभी भी किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज वगैरह एड करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जब कभी भी किसी मैट्रिक्स से हम लोग उसके ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर देते जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि जैसे एक कोई मैट्रिक्स है ए, अब इस मैट्रिक्स को बोला गया कि सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक बनाइए, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक अब प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में इसको लिखना है, एस्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में लिखना है। तो हमको पता है सिमेट्रिक कब होता है, जब हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। एस्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए इस चीज को हम लोग डील करते हैं। तो देखिए ये मेरा ए है, इस ए को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाफ ए प्लस हाफ ए दैट इज फुल ए, सिंपल है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज को एड कर रहे हैं और हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है जितना एड किया उतना ही हम लोग क्या किए, सबट्रैक्ट कर दिए, तो कोई चेंज तो होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ क्या कीजिए, इन दोनों में से हाफ को कॉमन ले लीजिए,
हाफ को कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इन दोनों में से भी हाफ को कॉमन ले लीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा ये ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके साथ जब कभी भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें तो जब कभी भी कोई मैट्रिक्स का कुछ नेचर शो करा रहा है तो उसके साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसके नेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये अगर सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक को अगर हम लोग किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी नेचर था सेम नेचर को शो कराएगा। सिमिलरली ये एसक्यू सिमेट्रिक है, इसके साथ स्केलर को मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो इसके भी नेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या हम लोग इस पूरे फुल पूरे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, और इस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या बोल सकते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो जब कभी भी किसी मैट्रिक्स को बोला जाए कि सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में बदले तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये फर्स्ट पार्ट आपका सिमेट्रिक को शो कराएगा, सेकंड पार्ट आपको एसक्यू सिमेट्रिक को शो कराएगा। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए, तो उसके साथ साथ आप नोट दे दीजिएगा छोटा सा, लिख दीजिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे ए है तो ए को हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे अब प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहां पर क्या बताएगा, पहला पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो आपका एक्सरसाइज है 5.5 और क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये क्लियर कर दिया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको बोला गया फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी, इन सारे भाग चारों का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए, तो हम लोग को पता है जब कभी भी कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो तो ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज। अगर ए मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो हम ए बराबर ए ट्रांसपोज करके दिखा देते हैं। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, 5 2xyz - 3 4t - 7 इक्वल टू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा आपका, तो सिंपल इस रो को कॉलम बना दीजिए, 5 2xyz - 3 4t - 7। ओके, अब इन दोनों को हम लोग क्या की इक्वलिटी साइन दिखा दी, अब जितने भी अननोन है उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो x का क्रोसमॉन्डिंग लोकेशन पर कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो x बराबर 4। अभी बात करते हैं y का, तो y के क्रोसमॉन्डिंग लोकेशन पर एलिमेंट कितना है, तो y बराबर 2। अब बात करते हैं z के क्रोसमॉन्डिंग एलिमेंट, तो z बराबर z दिया हुआ है। तो z बराबर z मतलब क्या समझ में आ रहा है, z की जगह पर आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, चाहे यहां पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर अगर 3 भी पुट कर रहे थे यहां 3 रहेगा यहां पर भी 3 रहेगा, मतलब जेड का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, जेड कैन बी एनीथिंग। क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं जेड बिलोंग्स टू एनी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी नंबर में आ सकता है, माइनस इनफिनिट से लेकर प्लस इनफिनिट के बीच कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। क्लियर है? साथ ही साथ टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी इज इक्वल टू माइनस 3, और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? अच्छा चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, बोलता है लेट ए बी द सम मैट्रिक्स, बोलता है फाइंड मैट्रिसेस एक्स एंड वाई, बोलता है एक्स और वाई दो मैट्रिक्स को निकालिए सच दैट
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, वेयर एक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वाई इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि जब कभी भी मैं किसी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पे रखते हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पे रखते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता है इस जगह पर हमका सिमेट्रिक के जगह पर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के जगह पर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए, ये हमको पता है। लेकिन ये क्या किया, इतना के जगह पर इसको क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया है, और इतने के जगह पर इसको क्या बोल दिया, वाई बोल दिया। तब ना जाके देखिए कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, इतने के जगह पर क्या बोल दिया इसको, एक्स बोल दिया है, और इस फ्रम को वाई बोल दिया, और एक्स प्लस वाई बराबर ए, और साथ साथ लिख भी दिया ये जो एक्स है ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वाई इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप एक्स को कैसे निकालिएगा, तो एक्स इक्वल टू कैसे आएगा ना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और वाई इक्वल टू कैसे निकालिएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए यहां तक पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बनाते हैं। ओके, तो हमको निकालना है एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलिए सारे वैल्यू को लिख देते हैं हम लोग, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है कितना आपका, 3, 2, 7, 1, 4, 3, -2, 5 and 8। ओके, सही है, अच्छा, प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए, 3, 2, 7 को कॉलम बनाइए, 3, 2, 7, 1, 4, 3 को कॉलम बनाइए, 1, 4, 3, -2, 5, 8 को कॉलम बनाइए, -2, 5 and 8, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज्ड। अब दोनों को एड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चलिए हाफ टाइम्स ऑफ दोनों मैट्रिक्स का एड कर देते हैं हम लोग, तो क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट एड होगा, तो 3 + 3 = 6, 2 + 1 = 3, 7 - 2 = 5, 1 + 2 = 3, 4 + 4 = 8, 3 + 5 = 8, -2 + 7 - 5, अब 5 + 3 = 8, और 8 + 8 = 16। ओके, अब इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा, सिंपल सी बात है, 6 × 1/2 = 3, 3 × 1/2 = 3/2, ये आपका 5 × 1/2 = 5/2, ये आपका 3/2, ये आपका 8/2 = 4, ये आपका 8/2 = 4, ये आपका 5/2, ये आपका 4, ये आपका 16 × 8। तो इस तरह से आपका x मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली आपको निकालना क्या है, y मैट्रिक्स, तो जल्दी से यहां तक नोट डाउन कीजिए, और हम लोग इसी पे हम लोग y मैट्रिक्स को भी निकाल देते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। ओके, तो ध्यान देते हैं हम लोग, अब उनको निकालना है y मैट्रिक्स, तो y मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, a माइनस a ट्रांसपोज। तो सिमिलरली यहां पर प्लस साइन रखेंगे, लेकिन अंदर में सारे को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, जो कि हमको पता था किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दूसरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सिमिलरली हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो -3 - 1 ये आपका +2, -2 - 4 - 5, -7 - 3 और -8, क्लियर है। आगे हम लोग इसको देखते हैं। ओके, आगे हमको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को एड करना है। तो देखिए 3 - 3 = 0, 2 - 1 = 1, 7 + 2 = 9, 1 - 2 = -1, 4 - 4 = 0, 3 - 4 = -2, -2 - 7 = -9, 5 - 3 = 2, 8 - 8 = 0। अब इसको क्या करना है, दो से आपको मल्टीप्लाई करना है, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0/2 0 ही होगा, ये आपका 0, ये 1/2, ये 9/2, -1/2, 0, -1, -9/2, +1, और ये आपका
तो देखिए फाइनली जो मैट्रिक्स आया आपको क्या आया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे? डायगोनल एलिमेंट देखिए जीरो है, 1/2 का -1/2, -9/2 का +9/2, -1 का 1, सिंपली आपका ये क्या बन गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इतना एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में अरेंज करके दिखाना है। चलिए मान लेते हैं ये मैट्रिक्स जो है आपका वो ए है, लेट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3 -4 1 एंड -1, क्लियर है। आपको बोला गया कि इस ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदलिए, तो क्या इस ए को लिख सकते हैं आप हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज अब प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन मतलब इसके वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट करते हैं, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू है कितना, तो देखिए 3 -4 1 -1, ए ट्रांसपोज का वैल्यू, तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये जो आपका रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो 3 -4 ये 1 -1, कुछ इस तरह से कॉलम बन गया, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आपका क्या है ना, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की जगह पर आपका 3 -4 1 एंड -1, और प्लस ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में हम लोग नेगेटिव लगा दे रहे हैं, तो देखिए -3 -1 +4 एंड +1, तो फाइनली आपका ये आ गया। ओके अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सी बात है, हाफ ऑफ इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर 3 प्लस 3 दैट इज 6, -4 प्लस 1 दैट इज -3, 1 -4 दैट इज -3, -1 दैट इज -2, ये आपका पहला मैट्रिक्स आया। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स आपका आएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 3 -3 दैट इज 0, -4 -1 दैट इज -5, 1 प्लस 4 दैट इज +5, और ये आपका -1 +1 दैट इज 0। अब फाइनली 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आएगा 3, ये आपका -3/2, ये आपका -3/2, ये आपका -1। सिमिलरली इसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हाफ इंटू 0 दैट इज 0, ये आपका हाफ इंटू -5 दैट इज -5/2, ये +5/2 होगा यहां पर आपका, यहां पर आपका सिंपल 0। तो देखिए ये पार्ट जो है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करा रहा है, और ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक को, तो फाइनली यहां पर आप नीचे लिख दीजिएगा, ये आपका सिमेट्रिक है और ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। तो आपके पास क्वेश्चन है कि बोला है इफ ए बराबर दैट मैट्रिक्स प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको प्रूफ करना है सबसे पहले a माइनस ए ट्रांसपोज को निकाल के दिखाना है। चलिए मान लेते हैं x मेरा a माइनस ए ट्रांसपोज है, लेट x इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज, तो चलिए हम लोग निकालते हैं x मैट्रिक्स को, तो देखिए x मैट्रिक्स आएगा कितना, तो सबसे पहले a निकालिए, a का वैल्यू है 2 3 4 5, ओके, और माइनस ऑफ a ट्रांसपोज दैट इज नेगेटिव ऑफ a ट्रांसपोज, तो नेगेटिव ऑफ a ट्रांसपोज जो 2 3 है इसका नेगेटिव कीजिएगा, तो -2 3 वो भी कॉलम में, -2 -3, सिमिलरली -4 -5 पर मेरा आपका कॉलम में आ जाएगा -4 -5, अब दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं हम लोग, तो सिंपल आ जाएगा आपका 2 -2 दैट इज 0, और 3 -4 दैट इज -1, 4 -3 दैट इज 1, और 5 -5 दैट इज 0, तो ये मेरा x आ गया, तो फाइनली x बराबर इतना है। अच्छा अब क्या कीजिए, x ट्रांसपोज निकालिए, एक्स ट्रांसपोज निकालिएगा, तो एक्स ट्रांसपोज कैसे आएगा, तो देखिए 0 -1 है ये आपका कॉलम में चला जाएगा, और -1 0 है ये आपका कॉलम में चला जाएगा, इस तरह से। अब अगर एसक्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब हम लोग का एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स हो, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होगा तभी जाके क्या बोला जाएगा, ए मेरा एसक्यू सिमेट्रिक, तो एक्स तो आ गया, हमको चेक करना है ना एक्स मेरा एसक्यू है कि नहीं। चलिए एक्स ट्रांसपोज की जगह पर रखते हैं हम लोग एलिमेंट को 0 1
माइनस वन जीरो, और माइनस ऑफ एक्स मतलब एक्स पर हम लोग नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही एक्स पर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और ये आपका प्लस वन, ये आपका माइनस वन और ये आपका जीरो, हेंस रूट। क्लियर है? हमको प्रूफ करके दिखाना है, जब कभी भी बोला जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब एक्स टू द पावर टी इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस तरह से प्रूफ करके दिखाएंगे। तो देखिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.5 पर। तो क्वेश्चन नंबर वन तो हम करा दिए, क्वेश्चन नंबर टू सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री हम भी करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फोर भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फाइव सिमिलर टाइप, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑर्डर सेवेंथ का किए थे, सिमिलर टाइप का है, क्वेश्चन नंबर छह भी आपको आराम से कर सकते हैं, और रहा बात क्वेश्चन नंबर एट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का तरह ही है, तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए कि आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर पाए, साथ ही साथ वीडियो पर आप लाइक के थ्रू हम लोग का मोटिवेशन को और हाई रखें। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास आपका रहेगा डिटरमिनेंट का।